नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो बात कहां से शुरू करूं, चंपई सोरेन से या हेमंत सोरेन से? लेकिन हेमंत सोरेन ने तो अपने ट्वीट में अपने मन का सारा बोझ हल्का कर दिया है, लेकिन हेमंत सोरेन का कहीं नाम नहीं लिया है। ठीक है, अपने मन का बोझ हल्का कर दिया है, लेकिन सारी बातें भी कह दी हैं। उन्हीं बातों पर चर्चा होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा वही आग्रह है, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए एंड इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। और सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह बनाए रखें। तो वो कहते हैं ना कि अपनों से टूटन को बयां करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि राजनीति में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। शाम को 5:49 पर एक ट्वीट आता है चंपई सोरेन का, लेकिन उससे पहले ही तमाम सोशल मीडिया पर, सोशल पोर्टल पर ये चर्चा चल रही थी। ज़रा उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, तमाम पोर्टल्स इस बात पे यहाँ पे बात हो रही है। हर एक का अपना अपने तरीके से हेडलाइन है। चंपई सोरेन बोले, जस्ट अ मोमेंट, पैसा ऐसी चीज है कि नेता लोग, चंपई के बागी होने की अटकलों पर हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ी। चंपई सोरेन बोले कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। ये वो है जो अभी अभी उनका ट्वीट आया है 5:45 करीब। तमाम सारी बातें हैं, उन सब बातों पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इस समय जहाँ एक तरफ बंगाल में जो डॉक्टर ट्रेनी है उसकी चर्चा हो रही है, तो बीच में एक ये चर्चा आ गई है चंपई सोरेन की। अब ये चर्चा भी होनी ही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे और अचानक से उन्हें कह दिया जाता है कि अब आप कुछ नहीं हैं, तो दिल पर चोट तो लगती ही है। और एक और बात है ध्यान देने की, देखिए सभी जगह पर इस बात पे बात हो रही है कि अब वो क्या करने जा रहे हैं, अब वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से सारी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। फिर भी हम जरा ये देख लेते हैं कि क्या बातचीत चल रही है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दिल्ली में है, और इसी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम भी हटा दिया है। और इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बिना नाम लिए इशारों में चंपई सोरेन और उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पैसे के दम पर घर और पार्टी में फूट डाली जा रही है। यानी कि आप समझिए कि वो सीधे सीधे कहाँ बात कर रहे हैं, और वो बीजेपी पे अटैक कर रहे हैं। अब एक चीज़ और है ना, अगर किसी को कोई पसंद है तो फिर वो उसके साथ रह सकता है ना, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी तक चंपई सोरेन ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया है, लेकिन जो उनका ट्वीट है वो बहुत सारी बातें बता रहा है। ये देखिए उनका ट्वीट है, लेकिन ये बहुत छोटा सा इसमें दिखाई दे रहा है। मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी कि ये इन्होंने पूरा क्या ट्वीट लिखा है, उसको भी मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ना टेक्स्ट इतना ही दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपके लिए वो टेक्स्ट जो है एक तरफ कर लिया था। चंपई सोरेन का जो बयान है, दरअसल झारखंड की राजनीति में गंभीर मुद्दों को उजागर कर रहा है। उनका आत्मसम्मान उसको ठेस पहुंची है, पार्टी में उनको अपमानित किया है, और वो ये भी दर्शाता है, उनका ट्वीट, कि सत्ता और पार्टी के अंदर खेल कैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ होते हैं, कैसे उनके साथ बेतुका व्यवहार किया जाता है। और जो व्यक्ति वर्षों से समर्पित है अपनी पार्टी के प्रति, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। तो मैं आपको हूबहू उनका जो ट्वीट है वो बताती हूँ।
जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में ये सवाल उमड़ रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव से आने वाले गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत औद्योगिक घराने के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ उठाने को लेकर के झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों और पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूं, किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा, उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने का मौका दिया, चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन, यानी कि वो आखिरी दिन बता रहे हैं 3 जुलाई तक, मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उनका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली थी तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ गलत ना होने दिया ना किया। इसी बीच हूल दिवस के दिन अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों में मेरे सभी कार्यक्रम पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करा दिए गए हैं। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम PGT शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पे पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, जब तक आप CM के तौर पे किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते, ये उनको बताया गया। आगे वो सवाल उठाते हैं कि क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ और हो सकता है? एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे, अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया। उधर आप समझिए, पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठ करके आत्ममंथन करता रहा, पूरे घटनाक्रम पर अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहाँ जाहिर करता, जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है, एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर के अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों की होती है, बाकी लोग जूनियर हैं, और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प है? अगर वे सक्रिय होते तो शायद हालात कुछ और होते। आप समझिए कि ये किस ओर इशारा कर रहे हैं। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर के मैं आंसुओं को संभालने में लगा हुआ था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा कि मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
इसी बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिनका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा, आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास तीन विकल्प थे, पहला राजनीति से संन्यास ले लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। जो लास्ट लाइन है दोस्तों, उस पर आप गौर कीजिए। उसी दिन से लेकर के आज तक आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। आपका चंपई सोरेन। और ये ट्वीट उन्होंने किया है 5:49 शाम को। अच्छा, उनकी कुछ बात रह गई होगी, तो फिर उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया, क्योंकि ट्विटर पे भी जो शब्दों की सीमा होती है ना, तो उसको वो जोड़ते हैं कि एक बात और, ये मेरा निजी संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा हूं, उसका नुकसान करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्वीट है हेमंत सोरेन का, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने टूटे मन से इसको ट्वीट किया है। अब आप देखिए, जब ऐसी बातें होती हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं जाएंगे। उन्होंने कह भी दिया कि मेरे पास ऑप्शन तीन है, या तो राजनीति से संन्यास लूं, या अपना एक संगठन खड़ा करूं, और या फिर मैं किसी के साथ शामिल हो जाऊं। तो अब मुख्यमंत्री पूर्व, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जेएमएम के खिलाफ उनकी जो बगावत है वो तो अब उन्होंने जाहिर कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे अपना जो उनका ट्वीट है उसमें उन्होंने बता दिया है कि वो पिछले 3 दिनों में अपमानजनक व्यवहार से बहुत दुखी थे और भावुक होकर के वो अपने आंसुओं को संभाल रहे थे। और अब आगे क्या होता है, देखिए आगे अब बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी अभी कुछ भी ऐसा आपको मैं बताऊं कि वो ये करने जा रहे हैं या वो करने जा रहे हैं, ये मैं अज्यूम नहीं कर सकती। हाँ, मतलब बीजेपी में रास्ते खुले हैं और वहाँ देखिए चुनाव भी है, विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो ऑब्वियसली बीजेपी चाहेगी कि वहाँ उनको कोई स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए वो सोच भी सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ये जो आपके साथ एक मैंने कंटेंट शेयर किया है, इसका मकसद इतना ही था कि आप अपडेट रहें हर खबर से। और आपको कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।